अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत के साथ सुहेल राजपूत फिर से हाजिर है। आज लाहौर एपिसोड की लास्ट, बल्कि लाहौर टूर की लास्ट एपिसोड है। तो उसके बाद अब कहाँ जाएंगे, कहाँ की आपको सैर कराएंगे, देखते रहिएगा वीडियोस। तो आज हम आए हैं अपने दोस्त उस्मान भाई के पास। इनका रेस्टोरेंट है कराची गोल्डन बारबेक्यू के नाम से। ये है लिबर्टी चौक के पास, बिल्कुल लिबर्टी चौक, मेन लिबर्टी चौक के बिल्कुल नज़दीक है कराची गोल्डन बारबेक्यू। बहुत ज़बरदस्त किस्म के खाने होते हैं। आज हम आपको इनके तमाम खाने टेस्ट करवाएंगे। हम तो इधर आते रहते हैं, इनके कबाब रोल, पराठा रोल, टिक्का रोल सब बहुत फेमस हैं। मलाई रोल और मुख्तलिफ़ किस्म के रोल बहुत ज़्यादा फेमस है कराची बारबेक्यू, पराठा रोल। और इसके अलावा कढ़ाई और टिक्का कढ़ाई, सीख कबाब कढ़ाई, इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं जो आज हम आपको टेस्ट करवाएंगे। तो चलें सबसे पहले टेस्ट करते हैं इनके विंग्स। ये देखें जी, सबसे पहले हमने मंगवाए हैं विंग्स, कराची बारबेक्यू पराठा रोल के विंग्स। तो पहले भी हम खा चुके हैं, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत लजीज हैं, आपको रिकमेंड किए जाते हैं। इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। और ये आए हैं इनके पराठा रोल, टिक्का पराठा रोल, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी। क्योंकि हम तो जब भी लाहौर आते हैं इधर लाजमी आते हैं, उस्मान भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम इनके रेस्टोरेंट पे लाजमी खाना खाते हैं। तो आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं और आप सबको रिकमेंड भी कर सकते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे आइएगा और फिर हमें बताइएगा। अभी चलते हैं ऊपर इनके रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त अभी रह गए थे, वो पहुँचने वाले हैं। तो वो जैसे ही आते हैं तो अब हम चलते हैं ऊपर, जो इनका मेन सिटिंग एरिया है। ये देखें जी, ये ऊपर आ गए हैं, यहाँ फैमिली हॉल भी है और दूसरे, अगर बारिश वारिश या आंधी वांधी है तो ऊपर आप ऊपर हॉल में भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे सीटिंग बहुत पुरफिजा माहौल में अच्छी सीटिंग यहाँ अवेलेबल है। तो दोस्तों, उस्मान भाई की तरफ से एक स्पेशल दावत है, उस्मान भाई, हुसैन साहब और सुलेमान भट्ट और साथ में फैसल भाई, ये सब हमारे लाहौर के दोस्त हैं। इन सब ने हमें आज दावत दी है यहाँ पर और हम लोग बस पहुँच चुके हैं अब इधर। अभी बस खाना ऑर्डर किया हुआ है, खाना आने वाला है, फिर हम आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। वैसे तो हम टेस्ट कर चुके हैं क्योंकि यहाँ का खाना बहुत शानदार है। ये देखें, सबसे पहले आइए जी टिक्का कढ़ाई, चिकन टिक्का कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बहुत यमी होती है इनकी। तो उसके बाद इनके ये स्पेशल सॉसेज हैं। गपशप जारी है दोस्तों की, और जब पुराने दोस्त मिलते हैं तो गपशप तो होती है। ये देखें जी, दूसरी डिश आई है हमारे पास, चिकन वाइट कढ़ाई। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन और बहुत मज़े की है ये भी, मैं गारंटेड कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी खाई हुई है। यहाँ पे आपको पूरी पराठा भी अवेलेबल है, दूसरे पराठे भी अवेलेबल हैं और रोटी चपाती वगैरह सब अवेलेबल है, और एक रीज़नेबल प्राइस में बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना है। ये तीसरी इनकी स्पेशलिटी है जी, ये कबाब कढ़ाई, यानी सीख कबाब मसाले में बने हुए हैं, यानी कढ़ाई बनाई हुई है सीख कबाब की। पहले बारबेक्यू तैयार किया जाता है, सीख कबाब तैयार करते हैं गोला कबाब टाइप, फिर उसके बाद उसकी कढ़ाई बनाई जाती है, तो एक बिल्कुल डिफरेंट कढ़ाई है ये। हाँ तो दोस्तों, अब चल पड़े हैं हम आइसक्रीम खाने, के मीठे के बगैर दावत अधूरी होती है। तो हम आ गए हैं लिबर्टी में ही आइसक्रीम खाने। तो यहाँ पे इधर के दो तीन पार्लर काफ़ी मशहूर हैं आइसक्रीम पार्लर्स, तो एक के पास हम आए हैं और नाम है जी इस पार्लर का, क्या नाम है जी, जेबीज, जी हाँ जेबीज आइसक्रीम पार्लर। और इनका फेमस है मोल्टन लावा केक, मोल्टन लावा, और आइसक्रीम में एक नया फ्लेवर है मोल्टन लावा केक, तो वो ट्राई करते हैं। बाकी दोस्तों ने तो कौन ही ऑर्डर किया, मैंने अपने लिए मोल्टन लावा फ्लेवर ऑर्डर किया, तो वो टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। जी दोस्तों, जब तक आइसक्रीम तैयार हो रही है हम अपनी थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं। ये हमारे उस्मान भाई हैं और ये मेरे साथ तला भाई, मैं और तला भाई तो कराची से हैं, उस्मान भाई यहीं लाहौर में होते हैं। और आज की दावत उस्मान भाई और बाकी फ्रेंड्स की तरफ से है। ये हमारे कराची के फ्रेंड्स अब्दुल मुताहिर, आसिम भाई, अदनान भाई, और ये लाहौर के फ्रेंड हैं सुलेमान भट्ट साहब। ये लें दोस्तों, आइसक्रीम्स आ चुकी हैं हम सब की, ये सब की नॉर्मल आइसक्रीम,
और चॉकलेट वेनिला, साथ में वेफल्स। और मेरी जो आइसक्रीम है वो इन सब से डिफरेंट है थोड़ी, वो है मॉल्टन लावा। ये आ गया जी हमारा वेनिला फ्लेवर में और साथ में मॉल्टन लावा केक है। तो ठंडा गरम मिक्सचर है, यानी आइसक्रीम ठंडी है और मॉल्टन लावा केक गरम है, और जैसे ही हम इसे काटेंगे तो बीच में से लावा की तरह चॉकलेट निकलेगी। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। एपिसोड पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। लाहौर टूर हमारा तकरीबन इख्तिताम को पहुंचा है और इधर से अब हमारी डेस्टिनेशन होगी वापसी कराची। तो उसके बाद आपको मज़ीद सैर करवाते रहेंगे पूरे पाकिस्तान की, और अगर पॉसिबल हुआ तो कहीं और किसी और कंट्री की भी। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और इस दफ़ा लाहौर टूर कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, तकरीबन हमें 8-10 दिन यहाँ रुकना पड़ा। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत।